हाय एवरीवन, नमस्ते। मेरी तरफ से आप सभी को राम राम। पहली बार थैंक यू सो मच गाइस, मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। मुझे इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज आए, आप लोगों ने इतनी सारी बधाइयां दी, उसके लिए थैंक यू सो मच दिल से, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई जिनका इस साल प्रीलिम्स निकला है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू दोज जिनका किसी भी कारणवश अनफॉर्चुनेटली इस बार प्रीलिम्स रह गया, नहीं हो पाया। बट हताश होने की कोई बात नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी। यूपीएससी अपने आप में एक जर्नी है और ये सिर्फ उसकी शुरुआत है, तो प्लीज बिल्कुल हताश ना हो। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी मेंस की स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगी, तो देखिए आज मैं उसके साथ हाजिर हूं आप लोगों के सामने। ये मेरी स्ट्रेटेजी है सिर्फ इस पेज में, मुझे लगता है कि आपको बहुत हेल्प करेगी, ये मास्टर प्लान है। पर देखो, इसको डिस्कस करने से पहले से दो बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए तो ऑब्वियसली है जो इस बार मेंस दे रहे हैं। अभी हम सिर्फ 80-83 डेज बचे हैं हमारे पास, तो उनके लिए तो है ही, पर मुझे लगता है कि उससे ज्यादा उन लोगों के लिए है जिनका इस बार प्री नहीं हो पाया किसी भी कारण से। ठीक है, उनके लिए इसलिए है क्योंकि देखो क्या होता है, जब हम फेल होते हैं तो ये हमारा नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है कि हम बहुत हताश हो जाते हैं। देखो यार, सबको बुरा लगता है जब आप मेहनत करते हो रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, बहुत बुरा लगता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जैसे घर चले जाते हैं, जो यहाँ पे बाहर से आके रह रहे हैं, यार दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम वेस्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं यार, वेब सीरीज देख लेते हैं। एक वेब सीरीज शुरू हो गई, अब वो लत है उसको, एक बार शुरू हो गई उसमें 10-15 एपिसोड, फिर कोई और सीजन देखेंगे। वो हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग, जब हम खाली बैठे तो हमारे दिमाग में ये होता है यार इतनी मेहनत करी, शिट फेल हो गए। तो हम अपने दिमाग को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो सब चीजें कर रहे हैं। बट मैं बता रही हूँ, विशियस साइकिल है। उसके बाद और बुरा लगता है और उसके बाद और भी ज्यादा बुरा लगता है। यदि आप आज नहीं पढ़ रहे तो कल बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे और वो बुरा बुरा लगता रहेगा। ये पूरा एक विशियस साइकिल है। ठीक है, और तो छोड़ो, आप खुद भी देखोगे। यदि राजेंद्र प्लेस, जिसको हम हब कहते हैं, वहां की गलियां सूनी पड़ जाती है, वहां की लाइब्रेरी में आप जाके देखोगे ना, इस टाइम भी वहां सिर्फ 4 या 5 वो बच्चे बैठे होंगे जो मेंस दे रहे हैं। लेकिन यदि आप थोड़े भी समझदार हैं तो प्लीज आप ये गलती मत करो। मैं आपको जनरली बताती हूँ, यदि आप यूपीएससी का सक्सेस रेट भी देखोगे ना, तो हाईएस्ट जो सक्सेस है वो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में होता है, और खासतौर पे उन बच्चों का होता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गए। द रीजन बीइंग कि आपके पास ये पूरा एक साल है, इस जून से लेकर अगले जून तक, जब तक प्रीलिम्स नहीं हो सकता, आप अपनी पूरी प्रॉपर स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ठीक है, और आप अच्छे से कर सकते हैं। मान लो आप अज्यूम करो एक और बच्चा है जिसका हुआ है, जैसे मान लो मैं हूं, मेरा हुआ है, एक बच्चा जिसका प्री हुआ है ना, उसके पास सिर्फ 80-85 डेज है, तो वो बिल्कुल अच्छे से नहीं कर पाएगा। वो भी हैप हजार्डली करेगा, उसे ऑप्शनल भी करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, एथिक्स भी करना है, जीएस के बाकी सब्जेक्ट भी करने हैं, एसे भी करना है, प्लस प्रेशर है यार। प्रेशर में तो इंसान वैसे आधी चीजें भूल जाता है। लेकिन आप जो है ना, इस टाइम इतने वेल प्लेस्ड हो ना, आप अगले 5 महीने में चमत्कार कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के साथ। लेकिन वो तब होगा जब आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करोगे। ठीक है, वरना क्या होगा यार, ये 3 महीने भी हुई चले जाएंगे खुशफुसाट में कि अरे प्री है, मेंस है, ये करके चले जाएंगे। फिर अक्टूबर आपको पता ही है, फेस्टिवल है अपने यहाँ, तो भाई इतने त्योहार हैं, दिवाली है, ये है वो है। नवंबर में शादियां शुरू हो जाएंगी और दिसंबर में कोई क्रिसमस मना रहा है, कोई न्यू ईयर, और जब दोबारा होश आता है ना, तब तक जनवरी हो जाती है, और फिर आपको लगता है अरे अब तो प्री आ गया, अब तो मैं प्री का ही पढ़ूंगा। एंड ट्रस्ट मी, यू विल अगेन बी स्टैंडिंग एट द सेम प्लेस जहां आप एक साल पहले खड़े थे। सोच के देखो यार, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि आप वही खड़े हो जहां आप एक साल पहले थे। क्यों? क्योंकि फिर से वही विशेष साइकिल है। इसलिए बच्चों को 4 साल 5 साल 6 साल लग जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर बच्चा जो मेहनत कर रहा है, देखो मेहनत करोगे तो निकलेगा, आई कैन बेट ऑन इट। यदि नहीं हो रहा है, मतलब कहीं हमारी ही कमी है, तो आप प्लीज ये गलती मत करो। बहुत, मैं फिर से कह रही हूँ, ये बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बड़ा मैसेज है जिनका नहीं हो पाया। क्योंकि आप यदि ये 5 महीने यदि बचा लोगे ना, इन पे पूरी मेहनत करोगे, तो जनवरी जब दोबारा आएगी ना, तो आप उन भीड़ से 95% लोगों से अहेड होगे जो वो प्रीलिम्स देने जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस अलग होगा क्योंकि आपको पता है कि 70-80% जो आपका मेंस है वो रेडी है, आपको सिर्फ जाना है, उसको रिवाइज करना है, और मेंस में ना मतलब लठ गाड़ देना है, बिल्कुल ऐसा करना है। ठीक है, तो पहली तो ये बात थी। दूसरी देखो यार, ये स्ट्रेटजी जो है, किसी की भी स्ट्रेटजी देखो फुल प्रूफ नहीं होती। मैं ये नहीं कहती कि ये बेस्ट है, बट मैंने अपना जो मेरे 4-5 साल का बहुत एक्सपीरियंस है उसको यूज करके बनाई है, और मैं मानती हूँ कि आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो मेरा यही रहेगा कि आपको पूरी हेल्प हो। तो आओ चलो यार, अभी स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। चलो आ जाओ। तो देखो गाइस, चलो अब अपनी जो स्ट्रेटजी है वो डिस्कस करते हैं। उसको डिस्कस करने से पहले देखो, मैं आपको बहुत जरूरी बात बताऊंगी। इस पूरी जर्नी में आपका सिर्फ एक ही गाइड है। देखो, लोगों के आइडियल होते हैं, गाइड होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, सब अच्छा है, लेकिन यदि बात यूपीएससी की करें तो आपका सिर्फ एक ही गाइड है, वन एंड ओनली, वो है हमारा सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखो, पहली बात तो ये जो मेरा बात बोल रही हूं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे और यूपीएससी के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो या तो सिलेबस से होता है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, क्योंकि
क्योंकि ना तो यूपीएससी ने कोई बुक छापी है, ना यूपीएससी ने कुछ दिया है, वो सब इंस्टीट्यूट्स का है यार, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है या जो भी है। हमारे और यूपीएससी के बीच में यूपीएससी ने या तो हमें सिलेबस दिया है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, एक तो रीजन ये है, और दूसरा मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, इसके पीछे लॉजिक है, मैं आपको प्रॉपर मैथ से या लॉजिक से समझाऊंगी। तो ये बात याद रखनी है कि सिर्फ एक ही गाइड है जिस पे आपको रिलाई करना है, वो है हमारा सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये मैं क्यों बोल रही हूं, ये मैं अभी बताती हूं आपको। देखो यहां देखो, अब हम डिस्कस करेंगे पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री और पेपर फोर की अलग से स्ट्रेटजी है। कुछ आपको सोर्सेज भी बताऊंगी मैं जिसपे आप रिलाई कर सकते हैं, जिनको आप रेफर कर सकते हैं। और देखो ऑप्शनल की इसमें मैंने बनाई नहीं है, क्योंकि देखो सबका ऑप्शनल अलग होता है, फिर भी यदि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं बनाऊंगी अगली वीडियो में। तो अब देखो आते हैं सीधा पेपर वन पे। यदि पेपर वन की बात करें तो जैसे मैंने अभी कहा था कि आपका गाइड होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप देखो ये मैं डायरेक्टली बात कर रही हूँ स्टैटिस्टिक्स से, 2020 का यदि आप पेपर उठा के देखोगे तो 19 आउट ऑफ द 20 क्वेश्चंस, जो 20 क्वेश्चंस आते हैं ना पेपर जीएस पेपर वन में, उसमें से 19 क्वेश्चन देवर ईदर आस्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, 19 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे गए थे। 19 यार बहुत बड़ा नंबर होता है, इट्स अ ब्लडी ह्यूज नंबर, ठीक है। 19 छोड़ो, यदि 9 क्वेश्चन भी आपको ऐसे मिल जाए ना जो आपको पता है कहां से आ रहे हैं तो जनता पागल हो जाती है। 19 क्वेश्चन आए थे, और इसीलिए मैं कहती हूं कि किसी भी बुक पे जाने से पहले, कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। ये प्री में भी होता है और ये मेंस में भी होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम मिस कर देते हैं। इनफैक्ट 2021 में जिसमें लोग बोलते हैं पेपर डिफिकल्ट था, उसमें भी 13 क्वेश्चन जो थे हमारे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आए थे, ठीक है। यदि मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल दू तो जैसे 2021 में क्वेश्चन पूछा था जिसमें उन्होंने हमसे पूछा था कि जो भक्ति जो लिटरेचर है उसका नेचर डिस्कस करो, और आगे भी इस क्वेश्चन में पूछा था कि इंडियन जो रिलीजियस मूवमेंट है उस पर क्या इंपैक्ट रहा। देखो ये पूछा इस बार भक्ति लिटरेचर, इससे पिछले साल उन्होंने पर्शियन लिटरेचर पे पूछा था, उससे पिछले साल संगम लिटरेचर पे पूछा था, और उससे पिछले साल भी एक लिटरेचर पे पूछा गया था। देखो क्वेश्चन आपको खुद बता रहा है यूपीएससी कि मैं कहां से पूछ रहा हूं। यदि हम ये लिंक मिस कर रहे हैं तो मतलब मुझे लगता है कि आपकी प्रिपरेशन वेस्ट है, आप कितना ही पढ़ लो, ठीक है। तो सब में ये बहुत बड़ी बात है, ये जीएस पेपर वन में सबसे ज्यादा मिलता है, क्योंकि आपको पता है पेपर वन में आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, और ये ज्योग्राफी है, ये पार्ट बहुत ज्यादा स्टैटिक है। तो ये जो है ना, ये यूपीएससी वही थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज करके घुमा फिरा के वहीं से पूछ रहा है। जैसे एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था यंग बंगाल मूवमेंट का, आप देखो जाके चेक भी कर सकते हैं, यंग बंगाल मूवमेंट का क्वेश्चन आया था। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था इसी पे कि शॉर्ट नोट्स लिखो, या फिर जो क्वेश्चन है वो आता है जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट थे उनकी ग्रोथ कैसे हुई, उनका इम्पैक्ट क्या रहा, या तो सोसाइटी पे पूछ लेगा या फिर किस किस का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। देखो टॉपिक एक ही है जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट है, या तो उसमें से एक सेक्शन उठा लिया, या उसकी ग्रोथ पूछ ली, या उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स पूछ लिया। अब या तुम्हें डायरेक्टली पता है, पिछले 2016 में पूछा गया, 2021 में फिर पूछ लिया, इससे पहले 12 में पूछा, 17 में फिर पूछ लिया। तो इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था आपका सिर्फ एक ही गाइड है सिलेबस, और दूसरा है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। उसके अलावा देखो यार, कुछ लोग फिर भी मुझसे पूछेंगे कि मैम रिसोर्सेज क्या है, क्या देखें। तो देखो कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल है जिनको आप रेफर कर सकते हैं देखो, बट मैं पर्सनली ये रिकमेंड करूंगी दैट डू नॉट योर वेस्ट योर टाइम ऑन देम, क्योंकि वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं यार। जैसे एनसीईआरटी की बुक बता दूंगी मैं आपको, या फिर मैं आपको बोलूंगी ज्योग्राफी के लिए जो 9th से 12th की एनसीईआरटी है वो पढ़ लो, वो तो हम 100 बार पढ़ चुके हैं यार। प्री जब हमने प्री दिया था तो हमने वही तो पढ़ी थी। तो मैं तो ये कहूंगी देखो कि आपको इसकी बजाय मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, और ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, मैं फिर भी ये कहूंगी। और जो आपका जो एरिया वीक है ना, जैसे मेरा आर्ट एंड कल्चर वाला एरिया ऐसा है जो मैंने बहुत अच्छे से नहीं करा, तो जैसे उसके लिए मैं क्या करूंगी, 11th क्लास की एनसीईआरटी देख ली मैंने, और नितिन सिंघानिया से एक या दो वो चैप्टर देख लिए जो 11th क्लास की आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी में नहीं है। याद रखना सिर्फ वो जो उसमें नहीं है मैं वो देख लूंगी। तो ऐसे आपका जो है ना पैच वर्क करो यार, पूरा पढ़ के क्या फायदा है, 101वीं बार पढ़ लोगे क्या बदल जाएगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, ठीक है, वैसा ही रहेगा। इसकी बजाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो उनको, वैल्यू एडिशन करो, वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करेगा, इसका कोई फायदा नहीं है। तो देखो ये है प्रीवियस ईयर पेपर, अब बहुत जरूरी है, ये है जीएस पेपर वन की स्ट्रेटजी। और देखो मैंने, मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क करी, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी आए थे इसी स्ट्रेटजी की वजह से, तो आपके लिए भी कर सकते हैं। देखो बाकी आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेपर टू की। देखो पेपर टू की यदि बात करें तो प्रीवियस ईयर का यहां भी बहुत बड़ा रोल रहा है, जबकि जो पेपर टू और पेपर थ्री है ना ये बहुत ज्यादा डायनामिक है नेचर में, ठीक है। उसके बाद भी देखो जो 2021 में ना इसमें से 11
20 आउट ऑफ 11 क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्टली रिपीटेड थे. जो पांच क्वेश्चंस थे ना उनमें से उनका कुछ पार्ट रिपीटेड था, जैसे कि डीपीएसवी का एक पार्ट पूछ लिया और दूसरे पार्ट को अलग से कर दिया. या फिर जैसे एक एग्जांपल दूंगी मैं आपको, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे, ठीक है. ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया, या तो इसका मीनिंग पूछा है, या बताओ जजमेंट के रेफरेंस से बताओ, या फिर बेसिक फीचर में इसका क्या रोल है, या फिर इसको एक्सप्लेन करो. इसी क्वेश्चन के अराउंड यूपीएससी ने हर साल कुछ ना कुछ आपसे एक्सपेक्ट किया है और पूछा भी है. तो यूपीएससी आपसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करती है कि भाई कम से कम जो पूरी लक्ष्मीकांत रटने से पहले ये तो जान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, उसकी मोरालिटी क्या है, उसका मतलब क्या है. उसकी जजमेंट तो फिर भी बाद में आएगी, बेसिक फीचर क्या है पहले पता तो हो. सीधा जाके लक्ष्मीकांत रट ली या किसी ने जो दिए वो रट लिया, तो बस इतना ही बेसिक आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ. ये इतना ही इजी है, इट इज एज इजी एज इट गेट्स, इतना ही है और आप बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है. और जो कुछ सिर्फ चार क्वेश्चन ऐसे थे यार जो न्यू थे, ठीक है. वो न्यू कहां से आए, आपको आप लोगों के दिमाग में होगा कि मैम ये न्यू कहां से आए. देखो यार मैं अभी बता रहा हूं, जो जीएस पेपर टू है ना इसके लिए जो करंट है ना उसको चाट जाओ. मतलब कुछ नहीं करने की जरूरत, सिर्फ और सिर्फ करंट है, इसको घोल के पी जाओ या चाट के पी जाओ, क्योंकि पूरा पेपर ना यहीं से आता है. यूपीएससी का बंदा जो है ना वो जाके बैठ के नहीं देखेगा कि छह साल पहले क्या हुआ था, सब कुछ करंट में चल रहा है, ठीक है. और इसके लिए क्या करना है, करंट के लिए देखो आप, मैं तो मानती हूं किसी का भी आप मेंस का जो 365 है वो मोर देन इनफ सोर्स है. यदि आप चाहो तो उसको रेफर कर सकते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का हो सकता है, वो मोर देन इनफ है. क्योंकि मोर ओवर हर कोई सेम चीज ही कवर करेगा, इंपॉर्टेंट चीज कोई नहीं छोड़ना चाहता. लेकिन ये जो सोर्स है इसको आपको मिनिमम 3 से 4 बार रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में ना टाइम बहुत कम होता है और उस टाइम में आप सोचने के लिए बैठ गए ना तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा. तो जब आप 3 से 4 बार रिवाइज कर लोगे ना तभी ऐसा होगा कि आपने क्वेश्चन देखा और झटाक से आपके दिमाग ने वर्क करा और आपने लिख दिया. स्ट्रक्चर ना विद इन सेकंड्स आपके दिमाग में तैयार होना चाहिए. इसके अलावा एक और सोर्स भी है, देखो आतिश माथुर सर जो है वो क्रैश कोर्स कराते हैं, आप सबको जानते भी होंगे उनको, उनका चैनल भी आप वहां जाके देख सकते हैं. जो आतिश माथुर सर है वो क्रैश कोर्स कराते हैं, तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं, आपकी पर्सनल चॉइस है. इन सब के अलावा देखो मेरे अपने नोट्स हैं जो इसमें मैंने इन सबको, करंट अफेयर के भी कुछ टॉपिक होते हैं और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो स्टैटिक्स हैं जिनपे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है, वो मेरे अपने नोट्स हैं जिसमें मैंने पिछली बार 60 टॉपिक तैयार किए थे, दोनों के, जीएस 2 के भी और 3 के भी जो मैं अभी बताऊंगी. आप यकीन मानोगे उन 60 टॉपिक्स में से मेजोरिटी ऑफ द जो क्वेश्चंस थे वो उन्हीं में से आए थे. और इस बार भी मैं उनमें जो है 10-15 टॉपिक और ऐड करने वाली हूँ. तो मोर और लेस मैं दोनों पेपर के लिए 50-60 टॉपिक तैयार करती हूँ, अपने लिए करती हूँ. देखो यदि आप चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वो नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगी. मुझे लगता है मैंने बहुत ही शॉर्ट बनाए हैं, क्रिस्प बनाए हैं, ठीक है. ताकि वो जैसे जुडिशरी के ऊपर बनाया तो मैंने जुडिशरी के तीनों एस्पेक्ट डिस्कस किए, एक्टिविज्म क्या है, ठीक है, जुडिशियल ओवररीच क्या है, ताकि आपको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट आपके दिमाग में हो और चाहे क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आप उसे आंसर कर पाओ, ठीक है. तो यदि प्लीज आपको मेरे नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है. इसमें बस यही है कि आपको क्या करना है, करंट अफेयर को चार्ट जाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है ही. अब बात करते हैं पेपर 3 की डायरेक्टली. पेपर 3 वाला जो है आपको पता है, इसके अंदर जो पेपर 3 है इसमें हमारा क्या आता है, इसमें इको आती है, साइंस एंड टेक है, एनवायरमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट है. इसमें भी देखो यदि आप 2021 की बात करते हो तो 12 क्वेश्चन ऐसे थे 20 में से जो डायरेक्टली पूछे गए थे, डायरेक्टली यहीं से उठाए गए थे, ठीक है. इसके सोर्स की बात करेंगे, जैसे मैंने यहां बताया था ऊपर पेपर 2 में, ऐसा ही यहां पे भी है. इसके लिए भी सबसे मेजर जो सोर्स है वो करंट है. फिर से मैं वही कहूंगी, करंट चार्ट जाओ, घोल के पी जाओ करंट. इसके बाहर से बहुत कम पार्ट आता है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं. देखो सबसे पहले सिलेबस देखो, सिलेबस में देखने के बाद देखो कि न्यूज में क्या क्या रहा, वो करंट से देखो कि करंट में जैसे मेंस के 365 जैसे मैंने बताया आप देख सकते हो, तो फिर देखो कि न्यूज में क्या रहा और दोनों का जो ओवरलैप में जो टॉपिक है ना उसको तैयार करो. दिस शुड बी द स्ट्रेटजी. ऐसा नहीं कहीं से भी उठा लिया, जो सिलेबस में भी है और पिछले साल न्यूज में भी रहा, दोनों को उठाओ, बढ़िया अपना उस पर नोट और राइटअप तैयार करो. आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेगा, आई कैन बैट ऑन इट, ठीक है. जैसे कि देखो एक और बात है, पेपर 3 में लोगों को लगता है कि पेपर 3 ना इको के बारे में, ऐसा नहीं है. यदि पिछले साल देखोगे ना सिर्फ 4 क्वेश्चन आए थे इको से, ठीक है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ इको के बारे में, तो हमें बाकियों पे भी ध्यान देना है. तो देखो पहली बात तो यही है, सोर्सेज की बात करें तो करंट जो है किसी भी मेंस का, किसी का भी मेंस 365 कर लेना, अगेन 3 से 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है. इसके भी जैसे मैंने ऊपर बताया था, मैंने दोनों के मिला के 60 टॉपिक तैयार करे हैं. यदि आपको चाहिए हो तो मेरे नोट्स हैं, प्लीज मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू शेयर देम विद
विद यू, यदि वो आपकी हेल्प कर सकते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यदि हम इको की बात करें ना, तो हर साल ना यूपीएससी पैटर्न है यार, पकड़ लोगे तो समझ जाओगे। हर साल यूपीएससी या तो एक क्वेश्चन पूछेगी इंक्लूसिव ग्रोथ के आसपास, या तो वो बैंकिंग से पूछ लेगी, या फिर जो गवर्नमेंट इतनी पॉवर्टी की स्कीम चला रही है उनके अगेंस्ट पूछ लेगी कितना हेल्पफुल रहा, पेनिट्रेशन कैसा रहा, या फिर एक क्वेश्चन पूछ लेगी टैक्स से कि टैक्स का स्ट्रक्चर कैसा है, रिग्रेसिव टैक्सेशन का क्या है, जीएसटी का क्या है, जो न्यूज में रहा होगा ना वही पूछेगी, या फिर जीडीपी टू टैक्स रेशो या जीडीपी, ये क्वेश्चन यूपीएससी इसके आसपास ही पूछती है हर साल। जब आपको डायरेक्टली पता चल ही रहा है तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करो यार, इसको नहीं करेंगे तो कैसे, ठीक है। उसके अलावा इको के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स बताती हूँ, ये बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन मटेरियल होता है, लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। यूपीएससी को बड़ा अच्छा लगता है जब आप किसी भी आंसर में लिखते हो ना रेफरिंग द अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2020-21, ठीक है, यूपीएससी का फेवरेट होता है ऐसे वर्ड ना, इकोनॉमिक सर्वे देखना या फिर विजन डॉक्यूमेंट एट द रेट 75 देखना, ये बहुत अच्छा लगता है उसको। तो इसमें देखो, पूरा तो मुझे पता है पॉसिबल नहीं है किसी के लिए, लेकिन हर चैप्टर के बाद ना लास्ट पेज में एक समरी होती है, प्लीज वो समरी जरूर देखना। एक बार वो समरी देख लोगे ना तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, और उस समरी में ट्रेंड होता है तो आप उस ट्रेंड को डायरेक्टली अपने आंसर में लिख सकते हो, ये आपको डेफिनेटली एक्स्ट्रा मार्क्स फेच करेगा, आई कैन बेट, ये बहुत अच्छा तरीका है। और देखो, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पिछले साल का नहीं दे सकते, देखो 2020 का भी रेफर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यूपीएससी को, वो जैसे इकोनॉमिक सर्वे देखेगा ना वो वैसे ही बहुत खुश हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ लास्ट पेज की समरी देख लेना बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। साइंस एंड टेक के लिए अगेन सिर्फ और सिर्फ करंट पे रिलाई करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है ही अनडाउटेडली, और एनवायरमेंट के लिए भी मेजर पार्ट जो है वो करंट से आता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, इसके लिए मैं अभी एक मिनट में बताऊंगी, नीचे मैंने एक नोट लिखा हुआ है जो मैं एक नोट डिस्कस करने से पहले आपको बताऊंगी, तो एनवायरमेंट के लिए भी करंट ही करना है। लेकिन एक पॉइंट जो मैं यहां बताऊंगी, देखो ज्योग्राफी, ठीक है, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, और कुछ पार्ट है जो जीएस पेपर 3 का है, जैसे कि एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है, इंडस्ट्री वाला सेक्टर है, या फिर लोकेशन वाला जो फैक्टर है, इसको प्लीज एक साथ तैयार करो, क्योंकि आपको पता है इनमें बहुत ओवरलैप है, एनवायरमेंट में, ज्योग्राफी में, डिजास्टर मैनेजमेंट, ह्यूज ओवरलैप है। तो सारे टॉपिक को एक साथ तैयार कर लो और उनके जो नोट्स है वो एक साथ निकालो, तो आपका काम जो है ना वो बहुत बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज हो जाएगा। अलग अलग करने की बजाय जैसे आप इंडस्ट्री का कर रहे हो तो उसको होलिस्टिक तैयार करो, एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से तैयार कर लो, ज्योग्राफी के से भी कर लो, लोकेशन के बेस पे भी कर लो, और जैसे ही क्वेश्चन पूछे फटाफट वहां पे अपना मैप ड्रॉ करो, और जैसे आपने मैप ड्रॉ किया ना वहीं आपको एक नंबर दो नंबर दूसरों से एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। तो ये जीएस पेपर 3 की स्ट्रेटजी थी ये वाला, और फिर से मैं कह रही हूँ मेरे नोट्स हैं, इफ यू वांट प्लीज यू कैन मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके साथ अपने नोट्स शेयर कर दूंगी, लेकिन मोर और लेस जीएस पेपर 3 की स्ट्रेटजी यही रहेगी, पेपर जो है वो मेजरली करंट अफेयर बेस आता है। अब बात करते हैं पेपर 4 की, मेरा फेवरेट टॉपिक है, एथिक्स का पेपर है। देखो एथिक्स के बारे में ऐसे कहते हैं कि ये आपका बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, क्योंकि कुछ लोगों के तो एथिक्स में बहुत ही ब्रिलियंट मार्क्स आते हैं और कुछ बच्चों के बहुत ही कम मार्क्स आते हैं। देखो उसका रीजन, देखो मैं वो भी एक साथ आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी पार्ट की। तो आपको पता है जो पेपर 4 है वो दो पार्ट में आता है, थ्योरी और केस स्टडीज। जो थ्योरी वाला पार्ट है वो 60% तो मैंने कम लिखा है, इनफैक्ट 70% जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीट होता है, क्योंकि थ्योरी तो फिक्स है यार, कितना चेंज कर लोगे। इमोशनल इंटेलिजेंस आज भी वही थी, आज से 10 साल पहले भी वही थी, ठीक है। तो 2021 में भी 70% जो पेपर था वो डायरेक्टली रिपीटेड था पिछले साल के पेपर से ही, ठीक है। और अब बात करते हैं केस स्टडीज की। केस स्टडीज में अच्छा ही है कि करंट इशू बेस्ड होती है, जैसे अभी रायट्स चल रहे थे, आप सबको पता है दिल्ली में कुछ रायट्स हुए अभी थोड़े टाइम पहले, से यूपी में चल रहे थे, तो आपसे ऐसे ही पूछ लेंगे आप एरिया के एसपी हो आप क्या करते, या फिर आप पूछ लेते कि आप किसी भी कम्युनल पार्टी के हेड हो तो आप क्या करते, किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेड हो, तो आपको केस स्टडीज में करंट इशूज के आसपास ही मिलती है। तो वैसे ही तैयार करो यार, किसी की पुरानी बुक उठा के उसमें कोई रैंडम सो केस स्टडी दे रखी है, अब यूपीएससी थोड़ी उसके नोट से तो केस स्टडी तैयार कर रहा है, खुद सोचो यार, थोड़ा दिमाग लगाओ, केस स्टडी वही आएगी जो न्यूज में थी, और ऐसे ही केस स्टडी तैयार करनी चाहिए। मतलब मैं नहीं प्रेफर करूंगी, मैंने बहुत मार्केट में किताबें देखी हैं, 100 केस स्टडीज, 200 केस स्टडीज, पॉइंट क्या है यार, वो दो साल पहले भी वही केस स्टडी बेच रहे थे, आज भी वही बेच रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। केस स्टडी जो है ना वो आपका अपना दिमाग है, अपनी इंटेलिजेंस है, यदि आपको करंट इश्यूज की नॉलेज है तो, यदि आपका थ्योरी वाला पार्ट क्लियर है, तो ये दोनों मिला के आपका केस स्टडीज बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो, मैं पर्सनली मानती हूँ कि डेली एक केस स्टडी मिनिमम करनी चाहिए आपको, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ना यही आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाता है एथिक्स में। जैसे मैंने कहा कुछ बच्चों के बहुत ही बेयर मिनिमम मार्क्स आते हैं, और ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 159 169 तक स्कोर किया हो, सोचो तुम्हारे
पेपर फोर में यार, जो जीएस का पेपर होता है उसमें तुम्हारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, किसी के नहीं आते यार, ऑप्शनल में नहीं आते बच्चों के। तो ये मेक कर सकता है, वो इसीलिए करता है क्योंकि केस स्टडी वाला पार्ट आप कितना अच्छे से प्रिपेयर करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो मैं पर्सनली देखो डेली एक केस स्टडी जरूर लिखती हूँ, या मैं अच्छे से उसकी पूरी, या फिर मैं उसका पूरा ब्लू प्रिंट तैयार करती हूँ कि इसमें एथिकल डायलमा क्या है, इसमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है और क्या मैं एक्शन लेती। ठीक है, यदि सोर्सेज की बात करें, अगेन आतिश माथुर सर जो एक क्रैश कोर्स चलाते हैं हर साल, इस बार भी चलाएंगे, तो आप रेफर कर सकते हैं, या फिर एक वाजीराम एक ब्रिजेंद्र सर हैं जिनकी अपनी किताब है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं खुद एथिक्स की टीचर हूं और मैं एथिक्स पढ़ाती हूं, तो मेरे पास नोट्स हैं जिसमें, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तो मैंने सर के भी कुछ लिया था पार्ट, क्योंकि कुछ पार्ट जो आतिश माथुर सर का अच्छा था, ब्रिजेंद्र सर का भी, और मैंने अपना भी कुछ ऐसे फोटोज डाल के ताकि अच्छे से हमें केस स्टडी समझ में आए, उस हिसाब से कुछ फ्लो चार्ट यूज करके मैंने अपने नोट्स बनाए हैं जो जिनकी वजह से मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो प्लीज मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके साथ बिल्कुल आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर देम विद यू, तो प्लीज मुझे बताना। और अगेन मैं बता रही हूँ, केस स्टडी डेली प्रैक्टिस करोगे तो 90 केस स्टडीज हो जाएंगी यार, जिस दिन तुम पेपर देने जाओगे उससे पहले 90 केस स्टडीज होंगी। मजा आ यार, इससे बाहर कौन सी बुक है लुकमान की या किसी की भी, कोई कुछ नहीं कर सकती यार, फोड़ दोगे तुम केस स्टडी में, समझ रहे हो। ठीक है, एक जाने से पहले एक और बात है, देखो पहले मैंने ये बता ही दिया था कि हमारा एक ही गाइड है, फिर से बता रही हूँ, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ यही है, इसी पे रिलाई करना है। ठीक है, दूसरी बात देखो, मेरे पास ना कंपाइल्ड नोट्स हैं यार मेंस के, जो कि मैंने लास्ट 4-5 साल की प्रिपरेशन में बहुत रिसर्च करके तैयार किए हैं, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि आप जब पेपर देते हो तो आपको समझ में आता है, जिसकी बेसिस पे ही मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई है। तो मेरे पास अपने खुद के नोट्स हैं जिसको मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट के कुछ अच्छा पार्ट था वहां से उठाए हैं, या फिर कोई बुक से उठा लिया, या फिर टॉपर्स की किसी बात से उठा लिया, या उनके आंसर से उठा लिया, तो ये सब मिला के मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं, पेपर 2 के भी हैं, 3 के भी हैं, 4 के भी हैं। तो यदि आप प्लीज चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके आई बी वेरी हैप्पी टू शेयर देम विद यू। तो यदि आप चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और मैं फिर से देखो स्ट्रेटजी पे, ये जो है ये पीडीओ पेज है, ये मैं लिंक में डाल दूंगी, जो अपनी वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, आप इसे देखें। और प्लीज एक ही बात फिर से कहना चाहूंगी, देखो यार 80 दिन बचे हैं, या तो जान लगा दो या बिल्कुल जाने दो, कोई पॉइंट नहीं है इसका, यदि आप इसके बाद नहीं करते हो तो कोई इशू, कोई पॉइंट ही नहीं है यहां तक आने का। देखो यार, अब स्ट्रेटजी तो डिस्कस हो गई है, ठीक है, और आई होप ये आपकी हेल्प भी करेगी, और यदि आप इसे फॉलो करोगे तो आई एम श्योर इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। अब देखो यार, स्ट्रेटजी के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। देखो जो मेंस का पेपर होता है ना, उसमें सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट होता है टाइम का, फिर इसे पहले आपके पास पूरा साल होता है, लेकिन जो मेंस होता है इसमें पूरा रियल स्ट्रगल होता है। जब आप आंसर लिखोगे तब भी रियल स्ट्रगल टाइम का होता है, और प्रिपरेशन में भी जो रियल स्ट्रगल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम का होता है, वक्त बहुत कम होता है, 80-85 डेज होते हैं, और प्रिपेयर इतना कुछ करना होता है, बहुत कुछ पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवाइज भी करना है, तो चैलेंज जो है ना वो टाइम का है। और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो हम टाइम है ना उसको मैक्सिमाइज कैसे करें। तो देखो मुझे लगता है यार, दिन में 24 घंटे होते हैं, मुझे लगता है लोग कहते हैं यार 10 घंटे से ज्यादा नहीं दे सकते, दिमाग की लिमिटेड कैपेसिटी है, देखो मुझे लगता है सब बकवास है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मुझे लगता है कि आप करना चाहते हो ना, तो जुनून है ना वो अलग लेवल का होता है, ठीक है, 14 या 8-10 घंटे छोड़ो, मैंने देखा लोग 16-16 घंटे पढ़ते हैं, मैं खुद भी पढ़ी हूँ, 16 घंटे भी ऐसा लगता है, तुम्हें जब ऐसा जो लगता है ना कि अरे प्री हो गया, मतलब तुम समझ रहे हो तुम सेकंड लेवल पे हो इस इतनी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन की, और 90% क्या 99% लोग फर्स्ट लेवल पे बाहर हो जाते हैं, तो तुम तो वहां हो यार, 10 घंटे क्या, 12 क्या, 14 क्या, 16 घंटे भी कुछ नहीं होते, तुम्हारा सिर्फ फोकस एक ही चीज पे होना चाहिए यार, कि बस थोड़ा बहुत जो लिमिटेड है उतना भी सो लो, ठीक है, उसके अलावा सिर्फ पढ़ाई करो। तुम खुद बताओ यार, तुमने कभी सुना है कि यार फला आदमी 2-3 महीने कम सोया यार हो तो मर गया, कभी नहीं होता यार। और कम मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि 15 मिनट सो, 4 घंटे सो जाओ, 5 घंटे सो लो, अब ज्यादा मेहनत करो यार। बच्चे क्या करेंगे, उल्टी स्ट्रेटजी है, अब क्या करेंगे, सो रहे हैं 12 घंटे 10 घंटे सो रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं, पेपर आएगा फटने लगेगी तो फिर 4 घंटे आ रहे मैम नींद नहीं आ रही, कैसे आएगी, प्रिपेयर ही नहीं करा, अब 4 सो बाद में सोना आराम से 8 घंटे, क्या होगा, 10 घंटे सोना, पेपर के बाद अपने घर चले जाना, 1 महीने सोना ही सोना, ठीक है, लेकिन अभी क्या करना है, अभी तो जान लगा देनी है बिल्कुल, मतलब जितनी है ना सब कुछ झोंक देना है, ठीक है यार। याद रखो स्टार्ट क्यों करा था, माँ बाप के, अपने माँ बाप को याद करो यार। देखो मेरा तो बहुत बड़ा रीजन है, आई एम श्योर आप सब लोगों की इंस्पिरेशन का भी बहुत बड़ा कारण हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे माँ बाप जो हमारे लिए इतना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं यार जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिनके पेरेंट्स पता नहीं क्या कुछ खरीद लेते हैं यदि आज हम प्रिपरेशन में नहीं होते, तो इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स ऑल्सो यार, वो तो वो ही याद रखो यार, उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया हमें यहाँ लाने के लिए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है यार कि टाइम को बचाओ जितना हो सके यार, पागलों की तरह पढ़ो, दिन में कितने भी घंटों पढ़ो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं यार जो वर्किंग है,
कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी सर्विस में है, मैं भी वर्किंग हूँ यार, मेरे दिन के 9 घंटे तो सिर्फ काम में चले जाते हैं, ठीक है। तो यदि आपके पास 24 घंटे है ना, तो 24 घंटों को पागलों की तरह छोड़ दो, क्योंकि आप लक्की हो उन लोगों में से हो जिनको दिन के 24 घंटे मिल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे जिनको वो भी नहीं मिल रहे, क्योंकि उनके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसकी वजह से यार उनको काम करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगी विदा लेने से पहले, देखो यार मर जाओ, कुछ हो जाए तुम्हें, जब तक रेस में हो ना, मतलब जिस दिन सबसे ज्यादा सुख उस दिन मिलता है यार, जिस दिन पेपर क्लियर होता है, या पेपर चलो रिजल्ट 1 महीने बाद आएगा, जिस दिन तुम 100% देके पेपर देके आओगे ना कि यार मैंने अपना 100% दिया। मैं ये नहीं कहती कि 100% का मतलब सिलेबस है, नहीं, अपनी मेहनत का, जिस दिन ये कहोगे ना कि आज मैंने मैम 100% एफर्ट डाल के मैं पेपर देके आया हूँ, तुम उसी दिन जीत गए। उसके बाद रिजल्ट कुछ भी हो, मैं बता रहा हूँ, वो पॉजिटिव ही आएगा। हम लोग 100% नहीं दे पाते, इसीलिए वो नहीं हो पाता, ठीक है। यदि हार्डवर्क है ना, तो मैं कह रही हूँ यार, सब कुछ झुक जाता है, पूरी दुनिया झुक जाएगी, यदि तुमने हार्डवर्क किया ना, तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो यार याद रखो अपने माँ बाप को, अपने सपने को, कि स्टार्ट क्यों किया था, और पागल हो जाओ, मैं भी हूं इस प्रिपरेशन में, हम डेली प्रिपेयर करेंगे, साथ करेंगे। और इसके अलावा यार आप लोगों को कोई और वीडियो चाहिए हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगी वो वीडियो डालने की, आप लोगों को जो भी हेल्प चाहिए होगी मैं वो हेल्प करने की भी पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। और यार यदि लाइक वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, जो भी इंसान आपको लगता है उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है तो प्लीज इसे शेयर करें। एंड अगेन थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल द लव, थैंक यू, बाय बाय। इसी बात पे टेक केयर, राम राम मेरी तरफ से।